हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये बोट कंपनी का एयरबड्स है। इसको हमको ओपन करके देखना है, क्योंकि इसका राइट तो सही है, राइट में आवाज आ रही है, लेकिन जो कि जो लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला दोस्तों काम नहीं कर रहा है। इसमें मतलब पूरा चार्ज हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों इसको हम ओपन करके बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक है, सारी चीज़ें आपको देख के बताएं। तो हम इसको फिलहाल में रख के साइड में, और ये रहा एयरबड्स, इसको हमको खोलना है। तो खुलेगा कैसे तो हम देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, कोई समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों ये यहाँ से खुलेगा, ये देख रहे हैं आप पट्टी, यहाँ से ये खुलने वाला है। तो हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये इस तरीके से खुलेगा, देख लीजिए, ये इस तरीके से खुलने वाला है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको यहाँ से खोल लेते हैं हम। ये सावधानी से खोलना है दोस्तों इसको। ये तो दोस्तों ये ऊपर की क्लिप निकल चुकी है, तो वह प्लास्टिक का था, और ये बोर्ड रहा, ये आपके सामने बोर्ड है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, उसको सावधानी से निकालना है हमें। तो सावधानी से निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड बहुत नाजुक है, इसलिए हम इसको बिल्कुल सावधानी से निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से, ये पूरा निकाल लेते हैं हम इसको। ये देख लीजिए, ये इसमें वायर है, और एक छोटी सी बैटरी देके रखी है अंदर, और ये इसको हम बैटरी को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये बैटरी भी निकल चुकी है, और ये अंदर वाला, ये वाला स्पीकर जो दिख रहा है अंदर का आपको, तो स्पीकर ये बिल्कुल छोटा सा स्पीकर है, ये रहा। इसको हमको देखना है, चेक करना है चालू हुई या नहीं। तो उसके वायर वगैरह, सबसे पहले हम वायर देख लेते हैं दोस्तों। ये वायर वगैरह तो पूरे सही दिख रहे हैं, देख लीजिए पूरे कटे नहीं है, है ना। और इसका स्पीकर हम चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर चेक करने के लिए दोस्तों हमको ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये हमको निकाल लेना है सबसे पहले। तो हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, और इसके जो जो पॉइंट है हम इसको निकाल लेते हैं। तो उसको हम इस तरीके से इसे रख लेते हैं, ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए क्या हो रहा है। तो इसके दो पॉइंट हैं, ये यहाँ से सोल्डिंग है दोस्तों, ये दोनों हमको निकाल लेना है यहाँ से। इस तरीके से ये निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट हमने एक निकाल लिया, और दूसरा भी हमको इसी तरीके से निकाल लेना है। तो ये निकाल लिया हमने, दोनों निकाल लिए, और एक नीचे गिर गया, उठा लेते उसको। ये रहा दोस्तों, इसको हमको चेक कर लेना मीटर की सहायता से, इसको चेक कर लेते हैं। इसको अलग अलग कर लिया हम, इसको यहाँ रख के मीटर की सहायता से इसको चेक कर लेते हैं चालू हुई या नहीं। मीटर से चेक करने के लिए दोस्तों हमको मीटर को रखना होगा यहाँ से, पहले चालू करके इसको बजर मोड पे हमको रखना होगा। हम बजर मोड पे इसको रख लेते हैं। यहाँ पे बजर मोड रखने के बाद जब प्लस माइनस है, इसको हमको इसमें लगा लेना है। एक यहाँ पर लगाना प्लस, और एक माइनस लगा लेना। तो दोस्तों इसमें बता रहा है 7437, और इसको हम पलटा के लगा लेते हैं वापस से। तो दोस्तों एक साइड सप्लाई नहीं आ रही, एक साइड सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, तो दोस्तों इसमें नया लगेगा जब ये काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि अंदर का ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, और नए हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।